Hello and welcome, my dear students of 10th Standard English Medium. And we will go ahead with our 17th chapter right now. 17th chapter में हमारा जो कुछ भी अभी content बाकी है, वहाँ से हमें शुरू करना है page number 139 से, जिसमें poverty alleviation program, वो topic actually हम पढ़ रहे हैं, जो कि actually बहुत लंबा topic है, क्योंकि उसके अंदर government के द्वारा initiate की गई बहुत सारी योजनाओं के नाम हैं. और उसका उन सभी योजनाओं का छोटा छोटा विवरण भी है. लास्ट में हमने देखा था माँ अन्नपूर्णा योजना, ठीक है, और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि ये जो कोई भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो पॉवर्टी एलिविएट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट की है, एलिविएट करना यानी कि दूर करना, गरीबी को दूर करना, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट की है ये सारी योजनाएं, उसके बारे में एग्जाम में शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आपको ये चीज ध्यान में रखते हुए हर एक योजनाओं के बारे में कम से कम 4 से 5 सेंटेंसेस आप लिख पाओ, इतना आपको याद होना चाहिए. सो लास्ट में हमने देखा था माँ अन्नपूर्णा योजना, और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है. पेज नंबर 139 के ऊपर टेक्स्ट बुक आपके हाथ में होना चाहिए. पेज नंबर 139 के ऊपर 8th नंबर जो लिखा है टॉपिक, संसद आदर्श ग्राम योजना, ये सारे हिंदी वर्ड है, ठीक है. तो यहाँ पे भी संसद आदर्श ग्राम योजना का मतलब ये होता है कि एक आइडियल विलेज जो है वो कैसा होना चाहिए. पॉवर्टी, खास करके हमें ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि पॉवर्टी दूर करने की जब भी बात आती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम गांव का अपलिफ्टमेंट करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि गरीबी जो है वो गांव में ज्यादा है. इसलिए तो यहां पर भी जो इस योजना का नाम दिया गया है वो भी गांव को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, और उसका नाम है संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है. उसके बारे में पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू स्टॉप माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेज टू द सिटी. ये बहुत एक जनरल ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही आसानी से याद रहे वैसा एक ऑब्जेक्टिव है, कि बार बार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आज के जमाने में, मॉडर्न जमाने में, गांव से शहरों में जाके बसने वाले लोगों की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है. वो इसलिए क्योंकि गांव में एग्रीकल्चर जो है वो पिछड़ गया है, या तो अनसर्टन है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, कुछ कुछ गांव में तो इवन आज भी इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी नहीं है, यानी कि एक आइडियल लेवल पे जो बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए वो गांव में देखने को नहीं मिलती है. इसलिए काफी लोग ऐसे अनसर्टिनिटी वाले माहौल से बाहर निकल के शहरों में माइग्रेट करना चाहते हैं. तो इस योजना का, संसद आदर्श ग्राम योजना का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि गांव वाले गांव छोड़ के, अपना वतन छोड़ के शहरों की ओर ना जाए, और गांव को ही इस सिचुएशन में यानी कि ऐसा बनाया जाए ताकि वो लोग उसको छोड़ के शहर में ना जाए, ठीक है. For these members of the parliament, improve education, health, employment facilities in the village adopted by them in their constituency. अब इसका नाम संसद आदर्श ग्राम योजना क्यों रखा गया है, तो उसका रीजन यहाँ पे ये सेंटेंस के ऊपर से हमें मिलता है कि यहाँ पे जो सांसद होते हैं, सांसद यानी कि जो संसद गृह के जो सभ्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए हैं, ठीक है. उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ गांव, मान लो कि 3 या तो 4 या तो 5 गांव उनको एडॉप्ट करने होते हैं. वो एडॉप्ट करते हैं, गवर्नमेंट उनको उसके डेवलपमेंट के लिए ग्रांट देती है, और एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी वगैरह जो बेसिक फैसिलिटीज होती है उसको उनको डेवलप करना होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड तक का उनको एक टारगेट दिया जाता है कि इतने गांव को आपने एडॉप्ट किया है और उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताया जाता है, ठीक है. सो दे सेट अप आइडियल विलेज, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि इस गांव को फिर वो आदर्श गांव बनाए आगे जाके. अदर देन दिस, टू क्रिएट परमानेंट पब्लिक एसेट्स, ठीक है. गांव में एक ऐसा भी सजेशन दिया गया है कि वहां पे परमानेंट पब्लिक एसेट्स भी होने चाहिए, मान लो कि गार्डन है फॉर एग्जांपल बच्चों को खेलने के लिए, फिर अच्छा खासा एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, या तो कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस है जहां पे पब्लिक जनरली वहां पे जा सकती है, ठीक है. तो ऐसे एसेट्स को डेवलप करना, टू डेवलप अपॉर्चुनिटीज फॉर गुड लाइफ
एक लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा मेंटेन रहे वहाँ पे गांव के लोगों का, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। रूरल अपलिफ्टमेंट, पूरा जो रूरल का फेसलिफ्ट हो जाए, गांव का पूरा फेसलिफ्ट हो जाए, उसका हर एक जगह से डेवलपमेंट दिखे और बिल्कुल वैसा दिखे जैसे शहरों में देखने को मिलता है, वो ऑब्जेक्टिव है। टेकिंग केयर ऑफ कल्चरल हेरिटेज, गांव का जो पुराना कल्चर है उसकी भी साथ में देखभाल रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मॉडर्निटी के चक्कर में, मॉडर्न टच देने के चक्कर में गांव को ऐसा ना हो जाए कि कल्चर या हेरिटेज जो है वो हमारा देश का या गांव का हम गंवा दें, तो वो भी नहीं होना चाहिए। कल्चर और हेरिटेज को भी बरकरार रखना है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल हार्मनी, इंक्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और गांव में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से ये है कि सब डेवलपमेंट तो करना ही है, लेकिन साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गांव में अवेलेबल होनी चाहिए सभी यंग पर्सन्स के लिए खास करके, ताकि उनका करियर जो है वो अपने वतन में ही वो डेवलप कर पाए और उनको कहीं और पे जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये था संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में हमने पढ़ लिया, और उसके बाद की जो बात में जो योजना का नाम आता है, लंबा चौड़ा नाम है, वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है। एक्सक्यूज मी, वापस मैं नाम बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको शॉर्ट में ब्रैकेट में भी लिखा गया है मनरेगा करके उसको बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम हैज बिकम पॉपुलर विद द स्लोगन अवर विलेज अवर वर्क। ओके, एक ऐसा स्लोगन चलाया जा रहा है गांव में कि अवर विलेज अवर वर्क, जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गांव में ही प्रोवाइड करवाई जाती है, खास करके उस गांव में रहने वालों के लिए। ठीक है, और स्लोगन ये है कि अवर विलेज अवर वर्क। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज टू एनहेंस लाइवलीहुड फॉर फैमिलीज और एडल्ट लिविंग इन रूरल एरियाज ऑफ स्टेट हु कैन डू फिजिकल लेबर थ्रू अनस्किल्ड बट आर विलिंग टू वर्क। गांव के ऐसे काफी लोग होते हैं जिनमें स्किल नहीं होती है, वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, टैलेंटेड नहीं है, लेकिन फिर भी फिजिकल एबिलिटी उनमें है, इसलिए वो काम करना चाहते हैं, अनस्किल्ड टाइप का काम करना चाहते हैं। अनस्किल्ड टाइप का काम यानी कि वो कैजुअल वर्कर होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मान लो कि गवर्नमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, चला रही है किसी गांव में, कि कोई गार्डन बनाना है, या तो रोड बनाना है, या तो कोई लेक बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए गड्ढे खोदने की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली उसमें ह्यूमन लेबर लगता है जो कि एक अनस्किल्ड वर्क है। थोड़ा सा उनको अगर पॉइंट आउट किया जाए कि ये ऐसे ऐसे करना है, तो वो लोग ये काम को कर लेते हैं। तो ऐसे काम जो है गवर्नमेंट को, जो एक्चुअली इससे दो फायदे होते हैं कि कोई ना कोई डेवलपमेंट वर्क होता है। मान लो कि किसी गांव में पानी की कमी है, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी इतनी जोरदार नहीं, बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ऐसा सोच सकती है कि वहां पे एक आर्टिफिशियल लेक बनाया जाए, ताकि बारिश के मौसम में अगर बारिश आती है तो वहां पे पानी भरा रहेगा, और वो पानी जो है वो ऑफ सीजन में गांव वाले लोग उसी पानी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तालाब को बनाने के लिए गांव वाले ही लोगों की हेल्प ली जाती है, जो गड्ढे वगैरह खोदते हैं और जितना तय किया गया है उतना बड़ा वो लेक बनाते हैं। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्टिव इससे पार पड़ते हैं कि भी एक एक अच्छा सा एक डेवलपमेंटल वर्क भी होता है गांव में, और दूसरा कि गांव के ही लोगों को इससे एक शॉर्ट टर्म का ही सही लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो इसको मनरेगा बोलते हैं। पूरी स्कीम का नाम वापिस मैं आपको बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक गारंटी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर दिस पर्पस 1% फ्रॉम एवरी फैमिली इज गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 days 7 hours per day इन अ फाइनेंशियल ईयर। इसमें गवर्नमेंट का प्रावधान यह है कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, यानी कि एक साल में मिनिमम उनको 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा गारंटी गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है। 100 दिन, 365 में से 100 days का एम्प्लॉयमेंट उनको गारंटी के साथ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि एक दिन के 7 घंटे का काम,
100 दिन यानी कि एक दिन के कितने घंटे वो भी स्पेसिफाई किया गया है, एंड दैट इज 7 आवर्स पर डे, एंड इन दैट वे मिनिमम 100 डेज आउट ऑफ 365 डेज। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना अगर होता है तो उनका जो फार्मिंग वगैरह सीजन होता है उसको छोड़ के बाकी के जो दिन बचते हैं उनको ये दिनों के दौरान उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और एटलीस्ट बेसिक नीड्स वो फुलफिल कर पाए, ऐसा उनके लिए इंतजाम हो सकता है। ठीक है, ओके। द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द वेज रेट अकॉर्डिंग टू इट पेस डेली वेजेस। इफ आफ्टर आस्किंग फॉर वर्क गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, देन एज पर रूल गवर्नमेंट हैज टू पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जो गारंटी दिया गया है वो 100 दिनों का है, 7 घंटे जो है वो पर डे। लेकिन अगर ये गारंटी गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाती है तो क्या, तो उसका भी एक प्रोविजन है कि उतने दिनों के लिए यानी कि 100 दिनों में जितने भी दिन कम पड़ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उतने दिनों का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस गवर्नमेंट को गांव वालों को देना पड़ता है। ठीक है, गांव वाले यानी वो लोग जो एडल्ट है 18 साल की ऊपर के हैं, जो फिजिकली केपेबल है वर्क करने के लिए, वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट अगर उनको नहीं दे पा रही है, ठीक है, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उतने दिनों का जितने दिन कम पड़ रहे हैं, 100 में से जितने दिन कम पड़ रहे हैं उतने दिनों का एम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इन दिस वर्क्स लाइक वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ विलेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि गाँव के विकास के लिए जो कुछ थोड़े बहुत वर्क किए जा रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल टॉयलेट्स, पर्सनल वेल्स, वर्क लेवलिंग द लैंड प्लेन, लैंड को फ्लैट बनाने का प्लेन यानी कि एकदम समान रूप से बनाने का काम भी इसमें शामिल है, हॉर्टिकल्चर भी शामिल है, लेबर वर्क एंड इंदिरा आवास योजना वो भी शामिल है। ठीक है, उसके अलावा कैटल शेड, ठीक है, जो कैटल होते हैं एनिमल्स उनके लिए शेड बनाने का काम भी इसमें शामिल है, मेकिंग ऑर्गेनिक मेन्योर, जो फर्टिलाइजर होता है उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने का काम भी उसमें शामिल है, शेड फॉर कॉक्स एंड गोट्स, ठीक है, जो मुर्गे होते हैं, जो बकरियां होती हैं उनके लिए शेड बनाना, क्योंकि गांव में ऐसे एनिमल्स बहुत पाए जाते हैं, यार्ड फॉर ड्राइंग फिश, जो मछुआरे होते हैं मछलियां पकड़ के लाते हैं उनको लाइक फिश को सुखाने का एक यार्ड बनाना है तो वो काम भी इसमें शामिल है, क्लीनिंग ऑफ कैनल, वर्क्स रिलेटेड टू वाटर स्टोरेज, ट्री प्लांटेशन ऑफ रोड्स, ये सारे कैजुअल वर्क्स जो है जिसको लाइक स्किल्ड वर्क में नहीं शामिल किया जा सकता, जो कोई भी कर सकता है वैसा काम इसमें शामिल किया गया है। बाय गारंटिंग डेफिनेट वेज बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दिस टू एवरी फैमिली, गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर पीपल अंडर दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पहले नहीं चल रहा था तो गांव वालों को काफी सारी दिक्कत होती थी क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, तो आखिरकार वो लोग शहरों में चले ही जाते थे। लेकिन जब से ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया गया है तब से अच्छा खासा एक पॉजिटिव फर्क पड़ा है कि गांव वाले लोग गांव में ही रहते हैं और उनको अपने ही गाँव में इस तरह का एक कैजुअल एम्प्लॉयमेंट वर्क जो है वो मिल पाता है। ठीक है, अब उसके बाद की योजना है वो मिशन मंगलम, ठीक है, मूवी के जैसा नाम है ये, लेकिन आइए देखते हैं अब इसमें क्या है। एक्चुअली मूवी तो नहीं है, डेफिनेटली ये एक कैंपेन है गवर्नमेंट का, मिशन मंगलम। ठीक है, थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड वुमेन फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। अब ये प्रोग्राम में ऐसा है कि गांव की जो औरतें होती हैं, वुमेन होती है, उनका सखी मंडल बनाया गया है और उसको दूसरा एक नाम भी दिया गया है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप भी उनको कह सकते हैं। ठीक है, हियर दे आर गिवन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सो दैट दे मे जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्व्स थ्रू हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज सर्कल एंड कम आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी बाय प्रिपेयरिंग पापड़, पिकल, अगरबत्ती यानी इंसेंस स्टिक्स एटसेट्रा। इसमें छोटी मोटी जो जरूरत की चीजें होती है, खाने पीने की चीजें भी इसमें शामिल है, नाश्ते की आइटम है,
पापड़ है, खाखरा है वगैरह, अगरबत्ती है वगैरह, ऐसी छोटी मोटी चीजें ये औरतें मिलके बनाती हैं। उनका एक जो मंडल होता है, ग्रुप होता है, उसको सखी मंडल ऐसा कहा जाता है, और उनको ये सारी चीजें बनाने के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है। गांव में ही रहकर ये औरतें अपने फ्री टाइम में, अपने ही घरों में ये सारी चीजें प्रोड्यूस कर सकती है। छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो इंसान अपने घर में ही बना सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए, इंसेंस स्टिक्स है, पापड़ है, खाखरा है वगैरह वो, और उसके अलावा भी काफी सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको अगर औरतें अपना टाइम में से थोड़ा सा स्पेयर टाइम निकाल पाए, 3 से 4 घंटे, ठीक है, तो वो ऐसी चीजें बनाती हैं, उसको सेलिंग करके वो पैसे कमा सकती हैं और अपनी फैमिली की इनकम को वो सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी योजना का नाम है मिशन मंगला। अब उसके बाद बाकी के जो योजना है उसमें आगे बढ़ते हैं। 11th है दत्तोपंत थेगड़ी व्याज सहाय योजना। 2 लाइनें लिखी गई है, हालांकि नाम थोड़ा सा अजीब है। ओके, दत्तोपंत थेगड़ी व्याज सहाय योजना। व्याज यानी कि इंटरेस्ट होता है, ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लिया जाता है, जो अमाउंट, ठीक है, उसको व्याज बोलते हैं। सहाय यानी कि हेल्प होता है, ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या है। थ्रू दिस स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन टू आर्टिसंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू परचेज रॉ मटेरियल। ठीक है, इसमें खास करके ऐसे आर्टिसंस जो कि हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, वैसे आर्टिसंस, ठीक है, उनको अपना उद्योग चलाने के लिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली लोन जो है वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, करवाती है, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसको आसानी से खरीद पाए। ठीक है, तो ऐसा भी खास करके आर्टिसंस के लिए जो हैंडलूम इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, ठीक है, उनके लिए ये योजना है और उनको ये काफी हेल्पफुल हो सकती है अपनी हैंडलूम इंडस्ट्री को आगे चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नंबर 12 है ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अनएम्प्लॉयड इन द रूरल एरियाज टू इंक्रीज इनकम एंड सेटअप इंडस्ट्री बाय गिविंग देम इकोनॉमिक हेल्प एंड सब्सिडी फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल प्लांट इम्प्लीमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी लैंड एक्सेट्रा। ओके, अब ये योजना का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, खास करके ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास अभी काम नहीं है, गांव में रहने वाले, ठीक है, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट का एक अच्छा खासा ऑप्शन देने के लिए, एक इंडस्ट्री वो छोटी मोटी एक अपनी एस्टाब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड की जाती है इस योजना के तहत, जिसका नाम है ज्योति ग्रामोद्योग विकास योजना। ठीक है, और उसमें यानी कि एक टाइप का ये लोन प्रोवाइड करने की योजना है, और दूसरी बात यह है कि इसमें उनको सब्सिडी भी दिया जाता है। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि जितना रुपए का उनको लोन मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख या तो 3 लाख या 5 लाख, उसमें से कुछ रकम जो है वो उनको माफ कर दी जाती है। ओके, मान लो कि 5 लाख है तो सिर्फ उनको 4 लाख भरने होते हैं, बाकी का 1 लाख जो है गवर्नमेंट उनको माफ कर देती है, या तो गवर्नमेंट अपनी ओर से वो बैंक में वो खर्चा भुगतती है और बैंक में वो पे करती है, ऐसा कुछ उनको डिस्काउंट दिया जाता है जिसको हम सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें जो कि इंडस्ट्रियल प्लांट या इम्प्लीमेंट्स या इलेक्ट्रिसिटी लैंड वगैरह अगर उनको चाहिए तो उसके लिए ये हेल्प करवाई जाती है। विद द न्यू आइडिया ऑफ स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी लैंड एंड इकोनॉमिक हेल्प टू द अनएम्प्लॉयड यूथ हु आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप इंडस्ट्री। ये एक बहुत नई योजना है, ठीक है, और उसका दूसरा नाम ये भी है कि स्टार्टअप इंडिया। जहां जहां पे धंधे रोजगार वगैरह बंद है, ठीक है, वहां पे स्टार्टअप होना चाहिए कुछ ना कुछ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह नाम भी इंग्लिश में दिया गया है स्टार्टअप इंडिया, जो कि एक बहुत ही एनकरेजिंग कैंपेन है।
और उसके तहत लोगों को, गांव के लोगों को ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, फाइनेंशियल हेल्प, वो सब उनको दिलवाया जाता है। खास करके अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, उनके लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर एक्सक्यूज मी, साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वो माइग्रेट करके सिटी में ना चले जाएं और अपने गांव में ही रह के खुद का भी डेवलपमेंट करें और गांव के डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे, ठीक है। तो ये भी बहुत एक उम्दा ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू की गई एक योजना है, ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला है, नंबर 13 वाला, वाजपेयी बैंकेबल योजना, ओके। ये भी एक टाइप का लोन का सिस्टम है। वाजपेयी बैंकेबल योजना यानी कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जो अभी फिलहाल इस दुनिया में नहीं रहे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, उनके नाम से ये योजना बनाई गई थी। जब वो प्रधानमंत्री थे तब ये योजना इंप्लीमेंट की गई थी, यानी इसको भी अच्छा खासा टाइम हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या है। अंडर द प्रोग्राम अर्बन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एज ग्रुप ऑफ 18 to 65 हु आर एजुकेटेड टिल 4th स्टैंडर्ड आर गिवन ट्रेनिंग। यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत इजी है, 18 से 65 साल के लोग जो गांव में रहने वाले हैं वो, और मिनिमम 4th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं, यानी कि बेसिक उनका लिटरेसी क्लियर है, पढ़ना लिखना उनको आता है, बस इतना ही। 4th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन अगर उनको क्लियर है, 18 से 65 की एज ग्रुप में आते हैं, तो उनको जो कुछ भी एम्प्लॉयमेंट करना है या तो जो कोई भी वो एक्टिविटी करना चाहते हैं उसके लिए ट्रेनिंग फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। सो दैट दे मे सेट अप इंडस्ट्री और कैरी ऑन ट्रेडिशनल क्राफ्ट। इसके फायदा ये है कि अपना वो इंडस्ट्री उसके बाद ट्रेनिंग के बाद वो शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और अपना ट्रेडिशनल क्राफ्ट भी वो शुरू कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो गिवन फाइनेंस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, उनको भी फाइनेंस जो मैं आपको आगे बताया बिल्कुल उसी तरह के फिक्स्ड अमाउंट का एक लोन यानी कि फाइनेंस दिया जाता है उनको, सो दैट दे मे जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने का एक इनिशिएटिव है। थ्रू एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड प्लान टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 10 लाख पीपल बाय सेटिंग अप एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट अलॉन्ग विथ हेल्पिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट सो दैट पॉवर्टी मे बी रिड्यूस्ड। यहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गुजरात गवर्नमेंट का एक टारगेट बनाया गया था 2016 तक, ठीक है। ये पॉलिसी का नाम दिया गया था एक्चुअली के एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 ऐसा नाम दिया गया था, जिसमें गवर्नमेंट ने ऐसा टारगेट रखा था कि गांव में रहने वाले 10 लाख लोगों को एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए, ठीक है, उनको रोजगार मिल पाए और इस तरह से पॉवर्टी जो है वो दूर हो पाए। ऐसे 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस एक टारगेट रखा गया था 2016 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम की जितनी भी सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा, वो आखिरकार यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारा चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, ओके, जो कि पॉवर्टी से डायरेक्टली जुड़ी हुई समस्या है, लेकिन फिर भी उसको अलग से पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज द टॉपिक फ्रॉम विच वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तब तक के लिए दैट्स इट फॉर नाउ, एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ।